सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 100 विधायक लाओ वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी पलटवार आया है। क्या कुछ कहा है भारत समाचार संवाददाता से खास बातचीत करते हुए ने, पहले आपको ये सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जो है ऑफर दिया है कि 100 विधायक ले आइए, मुख्यमंत्री बनवा देंगे। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था। देखिए, जिसके ऑफर को एक बार ठुकरा दिया जाए तो उसे दोबारा ऑफर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि कल जब उन्होंने ऑफर इस प्रकार का खुले मंच से देने का काम किया तो मुझे यह समझ में आ रहा था कि इस समय वो बहुत बौखलाए, बहुत घबराए और बहुत तनाव में है। मैं आजमगढ़ जो उनकी सीट थी लोकसभा की, उन्होंने इस्तीफा दिया, वहाँ कमल का फूल खिल गया, वहाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत गए। फिर उनके चचा मोहम्मद आजम खां का गढ़ जो रामपुर था, वहाँ भी कमल खिल गया, वहाँ श्रीघनश्याम लोधी जी चुनाव जीत गए। और अब मैनपुरी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वहाँ श्री रघुराज सिंह साक्य जी जीतने जा रहे हैं, वहाँ कमल खिलने जा रहा है। पूरी कोशिश करके वो हैरान और परेशान ये हो रहे हैं कि कभी वो एक दिन के लिए भी कहीं उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाते थे और आज एक दिन के लिए भी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो गया। पूरा परिवार जो गली गली घूम रहा है, कभी एक सभा कर देते थे पूरे लोकसभा में, बाकी उनके गुंडे उनके माफिया बूथों पर कब्जा कर लेते थे, लोगों को वोट नहीं डालने देते थे। कोई वोट डालने के लिए जाता था तो उनको बता दिया जाता था तुम्हारा वोट पड़ गया, और अगर वोट डालने कोई जाता था तो उनके गुंडे देखते रहते थे कौन सी बटन दबा रहा है व्यक्ति, अगर वो दूसरी बटन दबा दे तो वहीं बूथ के अंदर ही उनके साथ घटनाक्रम घटित किया जाता था। मैं पूरे क्षेत्र में बहुत घूम करके आया हूं, लेकिन इस बार लोग निर्भीक होकर के कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, गुंडों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी उनके पास एक रास्ता धनबल का बचा हुआ है, वो धनबल का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चुनाव आयोग से मांग किए हैं कि जांच किया जाए और धनबल के आधार पर अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। और लेकिन फिर भी मैं मैनपुरी की जनता से अपील करता हूं कि अगर उनके पास कोई किसी तरीके से सपा को वोट देने के लिए पैसा पहुंचा करके उन्हें खरीदना चाहे तो पैसा उन्होंने कोई कमा मेहनत करके नहीं कमाया है, उन्होंने गरीबों किसानों मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनको लूट करके कमाया है। अगर पैसा भी कोई दे दे तब भी वोट कमल के फूल को दीजिएगा, साइकिल को पंचर कर दीजिएगा, या अपील करता हूं। और श्री अखिलेश यादव जी को भविष्य में विशेष तौर से केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है और एक स्वयंसेवक की जो ताकत होती है, जो उसके पास विचारधारा होती है, उसका आकलन उन्होंने नहीं है। पहले तो अगर मेरे बारे में जानना चाहते तो पहले एक वर्ष कम से कम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में प्रतिदिन जाए, फिर ITC OTC यानी प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, फिर उनको समझ में आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी स्वयंसेवक का लक्ष्य सिंहासन चढ़ते जाना पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है। और उनको पदलोलुपता हो सकती है किसी प्रकार की, लेकिन केशव प्रसाद के बारे में वो नहीं जानते हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान दे करके वो अपनी हंसी उड़वाते हैं। आप खुद मैनपुरी भी पहुंचे थे और खूब प्रचार भी आपने किया, आपको लगता है कि तीनों सीट समाजवादी पार्टी हारने जा रही है, खतौली, रामपुर और मैनपुरी, इसलिए अखिलेश यादव ऑफर कर रहे हैं? निश्चित तौर से तीनों सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। देखिए, ये पहले भाजपा के बारे में बताते थे भाजपा अगड़ों की पार्टी है, लेकिन जब पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित वर्ग के लोग जुड़ गए तो उससे ये लोग घबरा गए। अब जब धीरे धीरे पासवाड़ा मुस्लिम हमारे साथ जुड़ रहा है तो उससे इनको और लगने लगा कि अब तो इनके साथ मुस्लिम भी जा रहा है। अभी हम गोला गोकरण जो चुनाव हुआ उसमें कई बूथों में पासवाड़ा मुस्लिमों ने हमको वोट दिया और हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबका आशीर्वाद पाते हैं। तो ये घबराहट है, ये तिलमिलाहट है, ये बौखलाहट है और अच्छा है। मैं तो कहा हूँ कि कुछ ध्यान साधना करें, कुछ पूजा पाठ करें तो उनको तनाव कम हो जाएगा और तनाव में उल्टे सीधे बयान देना बंद करके चुनाव लड़ रहे हैं, बढ़िया चुनाव लड़ें और देखें निष्पक्ष चुनाव जब होता है तो सपा की क्या हैसियत होती है। जो 2014 से पराजय शुरू हुई है, अब यह पराजय का अंत नहीं होगा, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। सर, निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग पहुंच रही है और इसके साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस का भी फायदा बीजेपी उठा रही है उत्तर प्रदेश में और शराब भी बांटे जा रहे हैं, पैसे भी बांटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास पैसे है ही नहीं, अन्यथा पैसे होते तो वह किसी कीमत पर इस प्रकार की बातें नहीं करते। वो अपना पैसा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर सपा वाले पैसा भी दे मैनपुरी की जनता को तो ले लें,
लेकिन ओट कमल के फूल को दे। आपने सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तर प्रदेश में कब? देखिए वो सारी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है और उस दिशा में काम कई राज्यों ने, भाजपा शासित राज्यों ने शुरू किया है और उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।